रेलवे लाइन ने अड़ी ने आवेला झूपड़ाओनु डिमोलिशन शुरू थाय ते पहला ज झूपड़ावासीओ ने वैकल्पिक जगह आपवानी साथे तापी नदी में ठालवाता केमिकल युक्त गंदा पानी ने रोकी तापी शुद्धिकरण करवानी मांग साथे आम आदमी पार्टी द्वारा सूरत कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपीने रजूआत कराई हती। सूरत महानगरपालिकानी हदमां रेलवे लाइनने अड़ीने आवेला विविध झूपड़ाओनुं पालिका अने रेलवे द्वारा नोटिसो आपी मकान खाली करवा जणाव्या बाद हालमां डिमोलिशननी कामगीरी हाथ धराई छे। त्यारे आम आदमी पार्टी द्वारा झूपड़ावासीओने घर वगरना करता पहेला तेओने हाईकोर्टनी गाइडलाइन्स मुजब वैकल्पिक आवास फाळवामां आवे, साथे ज सूरतमांथी पसार थती पवित्र तापी नदीमां केटलाक असामाजिक लोको द्वारा केमिकल युक्त गंदु पाणी छोड़ाय छे, जेने रोकीने तापी शुद्धिकरण करवामां आवे तेवी मांग कराई हती। धर्मेश भंडेरी, विपक्ष प्रतिनिधि, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आम आदमी पार्टी सूरत। आज आम आदमी पार्टी इस बात की रजूआत करने के लिए कलेक्टर श्री को यहां पर हम लोग पहुँचे हैं कि सूरत शहर के बीच में से रेलवे लाइन जो निकलती है उस रेलवे लाइन के आसपास बहुत सारी झुप्पड़ पट्टियाँ, झुग्गी बस्तियाँ है। उन झुग्गी बस्तियाओं को 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दे के ये कहा गया कि आप 24 घंटे के अंदर ये झुग्गी बस्तियाँ खाली कर दें, यहाँ पर रेलवे लाइन की रेलवे मंत्रालय की जगह है, वहाँ पे विकास का काम आगे किया जाएगा। तो मेरा ये आवेदन है, आम आदमी पार्टी निवेदन करती है सरकार श्री से कि प्रधानमंत्री श्री के वादे के अनुसार उन्होंने कहा है कि 2022 से पहले सबको अपना अपना घर मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब लाचार लोगों को भी उनको उनके हक का, उनके अधिकार का एक घर मिलना चाहिए, और जब तक उनको उनका घर न मिल जाए तब तक उनको वहाँ पर रहने दिया जाए। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उनकी झुग्गी बस्तियाँ खाली न करवाई जाए, इस बात का निवेदन करने के लिए आम आदमी पार्टी सूरत शहर की टीम कलेक्टर श्री को निवेदन करने के लिए। सूरत मनपा अने रेलवे द्वारा हाल में रेलवे ने अड़ी ने आवेला झूपड़ाओनु डिमोलिशन शुरू करायु हतु, जो कि सुप्रीम कोर्टे स्टे आप्यो हतो, जेथी झूपड़ावासीओने वैकल्पिक जग्या आपवानी मांग कराई हती अने तापी नदीमां केमिकल युक्त गंदु पाणी छोड़ातु होय जेथी माछलाओना मौत थता होय, जेने लईने पण आप द्वारा रजूआत कराई हती। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज सूरत।